आजड़ी की विधायक दल की बैठक थी और इस बैठक में शिरकत करने के लिए तमाम विधायक पहुंचे थे। आजड़ी की विधायक हैं मोहनिया से, बैठक हुई आज, बैठक में क्या कुछ हुआ है? आज सबसे बड़ी कि आज विधायक दल की बैठक थी, उसमें सभी विधायक उपस्थित हुए और दलितों और शोषितों की मजबूत आवाज़, समाजवाद विचारधारा की जीवंत करने वाले आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी आज उपस्थित थे हम सभी के सामने। हमारी नेता माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी उपस्थित थी और सभी माननीय श्री तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, आदरणीय जगदा बाबू जी, सभी सम्मानित पार्टी के वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहे और बहुत ही अच्छा मीटिंग रहा। और कुछ टास्क क्या मिला? टास्क जैसा कि हमारी पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है उसमें हमें टास्क मिला हुआ पहले से, और हमारी पार्टी और पार्टी के विधायकगण और हमारे जो गांव में जो कार्यकर्ता हैं, अंतिम बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश हमारी पार्टी की तरफ से दिया गया है और मजबूती से सदस्यता अभियान में काम कर रहे हैं और हमें मजबूती से और भी लगने की जरूरत है। महिलाओं को काफी तवज्जो दिया जा रहा है आरजेडी में? हमारी पार्टी पहले से ही महिलाओं को तवज्जो दे रही है, जिसकी जीता जागता उदाहरण मैं खुद भी हूँ, क्योंकि मैं खुद वैसे जगह से, मैं जहाँ से चुनी गई हूँ, तो आज़ादी के बाद पहली महिला विधायक बनी हूँ और निश्चित रूप से, और हमारी पार्टी ने वो अवसर दिया तभी मैं आज यहाँ पहुँची हूँ। तो पार्टी तो हमेशा महिलाओं की मुखर आवाज़ रही है, महिलाओं को हमेशा उन्हें सपोर्ट किया है और एक ज़रूर कहूँगी, हमारी पार्टी सबकी बात करती है और आधी आबादी को हमेशा साथ में लेकर आगे बढ़ने की बात करती है। तेजस्वी यादव जी एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई सोच रखने वाले इंसान नेता हैं और हमारे युवा नेता के अध्यक्षता में हम काम करते हैं और अध्यक्षता में एक कार्यक्रम हुआ, तो निश्चित रूप से महिलाएँ बहुत काफ़ी कम्फर्ट है राष्ट्रीय जनता दल में। बिहार से बाहर भी आपको जाने का मौका मिला, क्या कुछ देखा है आपने? हाँ, नेशनल वुमेंस लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस जो केरला में आयोजित हुआ था, जो केरला गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें हम सभी महिला विधायक गए और वहाँ बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही, मैं कहूँगी कि वहाँ बोलने का भी मौका मिला और महिलाओं की, क्योंकि समाज में आज भी बहुत सारी कमियाँ हैं, उस कमियाँ को हम जैसी महिलाएँ जो इलेक्टेड हैं, सेलेक्टेड हैं, वो महिलाएँ कैसे उन महिलाओं को आगे हम बढ़ाएंगे, उसके लिए वहाँ पर गहन चिंतन और मंथन हुआ। और उस कार्यक्रम के बाद मैं खुद भी एक सशक्त, मैं कहूँगी कि अपने समाज में भी, और मैं चूँकि महिला की अध्यक्ष रह चुकी हूँ पहले और मैंने काम किया है एक महिला अध्यक्ष के रूप में, एक कार्यकर्ता से मैं नेता बनी हूँ, तो निश्चित रूप से मेरी पहले की भी सामाजिक कार्य शैली रही है कि मैं महिलाओं को झोपड़पट्टी में, झोपड़ी में जाकर मैंने उन महिलाओं को आगे करने की कोशिश किया है और अब बहुत ही मजबूती के साथ पूरी बिहार की महिलाओं को एकजुट करने की कोशिश करूँगी मैं। जो टास्क मिला है, और वैसे में महिलाओं को भी जोड़ना जिम्मेवारी है, आप एक महिला विधायक भी हैं, बाहर से भी आप कुछ सीख के आए हैं, क्या लगता है, क्या समझाएंगे आप? राष्ट्रीय जनता दल पहली पाठशाला रही है और एक राष्ट्रीय जनता दल की महिला की अध्यक्ष रही हूँ मैं, और मैंने महिलाओं का महिला सम्मेलन कैमूर में मैंने करके आज से 4 साल पहले दिखाया है और वहाँ पे हजारों की भीड़ दिखाई है। आप पता कर लेंगे हमारे क्षेत्र में कि हमने बहुत पहले ही महिला सम्मेलन किया था, हमारा कार्यक्रम हुआ था पहला सम्मेलन, उसमें महिलाओं को जुटाया था और गांव की महिलाओं ने और समाज ने देखा था कि इस तरह से महिला सम्मेलन भी किया जा सकता है छोटे जगहों में, क्योंकि और वहाँ मैंने किया था, तो काफ़ी कुछ सीखा है और काफ़ी कुछ पार्टी ने मुझे सिखाया है। और काम करते करते व्यक्ति सीखता है जैसा कि कहा गया है, और मैं हर काम मैं खुद करती हूँ। राजनीति में एक महिलाओं के साथ बहुत बड़ी स्थिति होती है कि जब वो पद धारण करती हैं तो उनके काम को करने के लिए अदर लोग होते हैं, जिसके जीता जागता मैं खुद उदाहरण हूँ, क्योंकि मैं अपने काम मैं स्वयं करती हूँ, मैं हैंडलर से राजनीति में नहीं करती हूँ, मैं ज़मीन पर चलती भी मैं ही हूँ, डिसीजन भी मैं ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे, मैंने ठोकर खाकर राजनीति में यहाँ पहुँची हूँ, तो ठोकर और संघर्ष की जो व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वो जानता है कि रास्ते में कितने उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, कितनी पत्थरों को, कितनी ठोकरें खाई हैं हमने, तो पीछे वाले व्यक्ति को वो ठोकर ना खाना पड़े, उसके लिए उसकी कोशिश रहती है। लालू यादव से आज लंबे समय के बाद मुलाकात हुई, क्या कुछ उन्होंने संदेश दिया है आप लोग को? आदरणीय हमारे नेता ने दिशा निर्देश दिया, सबसे बड़ी बात है कि हम सभी को उनका आशीर्वाद मिला, बाकी दिशा निर्देश तो पार्टी का है ही, जातीय जनगणना पर भी हम लोगों का रहेगा कि जिस तरह से भी माननीय विधायकों ने वहाँ पर, विपक्ष ने एकजुटता दिखाई है और इसकी मुखर आवाज़ रही है और हम सरकार से भी मांग करते हैं, सरकार भी सर्वदलीय बैठक करने जा रही है, तो माननीय नेता ने से एक हमने सीखा है कि किसी भी चीज़ में सही मुद्दे पर हमें लड़ना है और जीतना है। चलिए, आरजेडी की विधायिका थी मोहनिया से, वरिष्ठ फाउंडेशन के साथ, नमस्कार।